तो रामीन ना आज बनाने लगी है जीजी हदीद की का पास्ता है ना। और जीजी हदीद कौन है? वो अमेरिका की सुपर मॉडल है। हाँ जी, तो सुपर मॉडल है, पर हम मतलब वैसे तो उसे जानते हैं, पर आज इसने ना उसका पास्ता कोई कब से इसको आ रहा है, हाँ, और वो बहुत फेमस हुआ है। बहुत फेमस हुआ, तो उसने कहा मैं ट्राई करती हूँ। और अभी ये सिर्फ ना थोड़ी क्वांटिटी में बना रही है कि चीजें फिर जाया ना हो। तो चलो जी डालो और फिर बताओ, और अगर सही रेसिपी बन गई तो आप लोग फॉलो कर लेना, अगर टेस्ट गंदा हुआ तो हम बता देंगे एंड में। सबसे पहले इसने अनियन डाला है और साथ में जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, थोड़ा सा ना ये जो मैक्रोनी का पानी नहीं है जिसमें उबाल रहे हैं वो भी इसमें डालेंगे हम लोग, इससे भी टेस्ट आता है, ये मैंने भी सुना हुआ है वैसे तो। और ये क्या डाल रही है? टोमेटो पेस्ट है। टोमेटो पेस्ट डाल रही है भाई, और ये बिल्कुल ही नाम की सारी चीजें हैं क्योंकि पास्ते की क्वांटिटी भैया इतनी सी है हमारे पास। तो अब हम इसे थोड़ा सा वो कुक करेंगे, और साथ में क्या करेंगे इसमें स्पाइसेस डालने जो कि बेसिकली चिली फ्लेक्स और सॉल्ट एंड पेपर है। वो अंग्रेज की रेसिपी है तो उसमें तो यही दो स्पाइसेस होने हैं, बट वो काफी ज्यादा डालती है चिली फ्लेक्स। और मैं रात को अपनी चाय बना रही हूँ माशाल्लाह से। और ये हम डाल रहे हैं जी चिली फ्लेक्स, बड़ी बात है उसने ब्लैक पेपर नहीं डाली, रेड चिली फ्लेक्स डाले। जी सॉल्ट, ये जाएगी जी काली मिर्च, आई गई है वैसे मैं बहुत याद करी थी इसे, बहुत ज्यादा डाली। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? ये डाल देना, पानी डाल दे इसमें। पानी नहीं अभी इसमें, क्रीम आ गई हमारे पास, उसने तो वो डाली थी व्हिपिंग क्रीम, हैवी क्रीम उसने डाली थी बहुत ज्यादा। हाँ, पर हम डाल रहे हैं दूसरी वाली क्रीम जो नॉर्मल वाली होती है। ये डाल रहे हैं हम पानी, डाल देंगे जी बटर इसमें, डाल देंगे हम इसके अंदर और बस मिक्स करेंगे और देखते हैं क्या बने। और इनमें इसने चीज़ भी डाली है जो कि हमने दिखाई बगाई डाल दिया। और दूसरी बात ये, अब हमने टेस्ट कर लिया है और अमीन को अच्छा लगा है और मुझे नहीं अच्छा लगा है, और मेरे हिसाब से तो आप लोगों को भी नहीं अच्छा लगेगा क्योंकि ये टेस्ट बड्स रामीन के तो वैसे ही अंग्रेजों वाले हैं, और मेरे नहीं, अंग्रेजों वाले नहीं है, ये स्पाइसी है। बट वो अलग बात है कि हम केचप वाले पास्ते की आदत होगी हम जी नहीं, हम तो भाई जो देसी पास्ता होता है वही पसंद है मुझे तो, ये तो इतना अजीब सा इसका तो टेस्ट लगा है भाई, मुझे तो मजे का लगा है। अभी मम्मा को भी दिखाएंगे, चखाते हैं ना फिर पता चलेगा मेजोरिटी विंस। तो मम्मा का इस पास्ता पर न्यूट्रल स्टांस था, वो कह रही थी कि बहुत बुरा भी नहीं है पर बहुत अच्छा भी नहीं है, तो उन्हें तो ठीक लगा। ये जी मैं गई पेपर देने और वापसी में मम्मा ने ये भी करा लिया। और तू कह रही है हाथ नहीं पहुंचेगा, देख हाथ तो पहुंचेगा, मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि जो सालन की कटोरी भरी हुई होगी ना वो निकालोगे सालन गर्म मुंह पे आएगा, फुल भर के हमने डालनी नहीं। ये तो मम्मा ये हमारे से होगा भी नहीं, देखना आपसे किसी दिन होगा जिसे आप हमारे घर में गिराती है। मैं तो भाई उसमें डाल ही नहीं, मैं तो चुप करके अमन भी चीजें बेक करूँ। और वो दिखा कितनी आप, वो सेल्फ खुली होगी। हाँ ये देखे ना हमारा एक केले का छिलका पड़ा है, और ये देखे खाली में खाली होगी, इतने अरसे बाद इस बेचारे को हमने इतना खाली देखा है। मैं कह रही हूँ नमक मिर्च वाले डिब्बे ना, ये थोड़ा मैंने ऊंचा इसलिए रखा है कि वो जो डिब्बे है ना मिर्चों वाले और नहीं, वो नमक मिर्च का कोई डिब्बा इधर नहीं आएगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं भाई, तो अजीब लगेगा ये आपने बना के जी फैशन और पुट्ठे फैशन करेंगी, ऊपर नमक मिर्च के नहीं डिब्बे नहीं रखने। सही है, टॉप्स है, और ये नेकलेस मंगवाया है मैंने, रुको इसका क्या, ये ना खुलता भी है इस तरह, अगर ऐसे पहनना है या फिर फ्लावर। हाँ फूल भी बन जाता है वैसे। Yes, nice. और ये एक वेबसाइट है इससे मंगा, हाँ इसे मंगवाया मैंने जी से। फिलिस्तीन का झंडा लगा के ऊपर नीचे कुछ लिखा हुआ भी है। ओए हाँ आनी आप बायकॉट कर रही है? हाँ इसराइल की चीजों का बायकॉट। किस किस का किया है? अभी तो कोई कोल्ड ड्रिंक्स नहीं आनी, नहीं हमारे घर तो आती नहीं। और ये जो आप लोग एरियल यूज करते हो, लिप्टन की टी यूज करते हो, सब कुछ इसराइल का है, तो बंद कर देंगे पेप्सी। ये जो भी तुम लोग बिस्किट खाते हो ना वो उधर के ही है। अब ये आपने ओरियो मंगवाए ना, ये भी उधर के ही। हाँ तो बस बायकॉट करते हैं। मैंने तो लेज़ का फिलहाल बायकॉट कर लिया, गाड़ी में मैं लेज़ नहीं खा रही आज। क्या क्या चीजें इसमें आ रही है? बहुत कुछ आ रहा है। तो आनी आ गई थी और हम उनके साथ चले गए थे गीगा मॉल, क्योंकि उन्होंने वहां से अपनी कोई शॉपिंग करनी थी, और गए सिर्फ हम लोग एथनिक पे गए थे और वहीं से जोड़ा पसंद आ गया, तो फिर हमने कहा कि आगे फिरने की क्या जरूरत है, वापस घर चलो। पर ये शादी किस आपका? मेरा है।
तो ये जी आनी लाई है अपना सूट एथनिक से, ले आई हूँ उसकी अल्ट्रेशन करवानी है बहुत ज्यादा लूज में। तो आज आनी लोग आए हुए थे तो फिर हमने जमील से ये चीजें मंगवा ली। अली और मैं ये मैच देख रहे थे पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान जो है इस मैच में फिर वर्ल्ड कप से बाहर भी निकल गया था। ये मैच जैकेट फंसा हुआ था, मैं टिपिकल पाकिस्तान बहुत खुशी है, रुबाब को बिलीव नहीं था, मुझे था। आगे क्या था, कौन सा मैच था ये बताना। अभी मतलब पाकिस्तान की हार के एक किस्म से कह लो सेमीफाइनल से रुबाब पत्ती पड़ गया से बोल रही है। नहीं नहीं इसे भरोसा ही नहीं है, इसी दोस्त ने 2-4 हजार की बेट लगाई हुई है अपने भाई से। और ये तूने क्या प्लेट में रखा हुआ है। नहीं हुआ, अगर एम्पायर आउट देता तो आउट था, अगर एम्पायर देता क्योंकि रिव्यू में ये होता है कि जो आप सारे एम्पायर को जानते भेजो हैशटैग गाइस प्लीज अब्यूज दिस एम्पायर, क्यों ये अगर आउट दे देगा तो आउट था। हमारे साथ हो रही है मुस्लिम के काम करने, ये बिके हुए सारे सारे हाँ सारे बिके हुए एक हम ही हैं बस। And you believe the smallest of margins, South Africa hang on by the smallest of margins. तो काहे ना तंग नहीं होता भाई। मां से मंगवाया था हमने लेकिन इनके पास यहाँ साइज नहीं था, खोल लेने वाले थे पैकिंग में इस तरह भेजे काले के अंदर गुम हो गए। ये नजर ही नहीं आ रहा बोले। अच्छा ये रामीन को ब्लैक बहुत ज्यादा पसंद आ गया था इसलिए, और असल में क्वाली नाइट में थीम भी है ब्लैक की, तो वैसे तो कलर दूसरा लेना था। बताओ रामीन, मुझे वैसे ही पसंद आया था, थीम होती या ना होती वो तो बाद में हमें पता चला, नहीं पहले पता चल गया था वो जब उन्होंने कार्ड भेजा की थीम है ना, फिर और ज्यादा अच्छा लगेगा क्यों ना। बात सही है, फिटिंग अभी इसकी फिटिंग ठीक है, वो उस दिन देखा था खुला खुला। पर इसका आप आयरन कैसे करेंगी, ये तो इतना इसमें उल्टा करके कर लूंगी ऊपर कपड़ा रख के, इसको पहले हल्का फुल्का ही करना है। पर नहीं ना इसकी लाइनिंग बहुत ज्यादा फिट है। और इस मैक्सी के साथ इसके पास पहले से ब्लैक हील्स भी पड़ी हुई थी तो वो मैच हो गई। तो ये हमारे नेबर्स इंग्लैंड में होते हैं और उन्होंने अपने घर की चाबियां हमें दी हुई हैं, तो उन्होंने कहा था कि वो एक दिन या दो दिन बाद आने वाले हैं तो उनके घर की सफाई करा लें, तो इसलिए फिर वो करा रही थी मम्मा। चलो ये तो इसने धो ही दी है, चमका ही दी है, पंखे चला देंदी ना पोचे जो टाकियां जो लाइया तू। अच्छा खुशक हो गए, हाँ हो ही गए, हाँ पंखे चला दें ताकि सारा कुछ हो जाए, उत्तो भी ला लेते, नहीं उत्तो ला लेते पोचे शोचे वेखा, हाँ वाशरूम एक दफा कर उत्तो, चलो मैं वेखा नहीं हूँ की सफाई की है, कोई डस्टिंग दा भी कपड़ा मार दें, कपड़ा कोई नहीं है डस्टिंग वाला, उधरों मेरे घरों कोई ले आ डस्टिंग वाला कपड़ा। हाँ चलो ये तो तूने चमका दिया, वॉशरूम वाला रहंदे ने सारे, तेजाब ले आया है अली, हाँ वो तेजाब ले तो उससे सारे धो दे, उधरों मेरे घरों अली होनी तेजाब लाया ना, ये इस कमरे में तो मुझे मिट्टी नजर आ रही है। और ये क्वार्टर में? हाँ उधर भी लगा दे। नहीं ये टेरेस वाला कमरा आर? नहीं अंदरो तो हाँ इधर सारी मिट्टी मिट्टी है। अच्छा धोएगी, चलो पानी तो अभी वो लगा हुआ जो है आ जाएगा ना, हाँ इधर डस्टिंग भी करी थे, कमरा गंदा है इनू आके धो ले या जो भी करनी, और इन्हें फर्नीचर बचाई,
ये तो अभी गंदे ही है, तेजाब और हापिक ला के दिया है, वो अभी धोएगी उससे। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।